श्रीनगर सिटी से ही आवाज उठती है पूरे जम्मू कश्मीर में, और ये आवाज पूरे मुल्क में ही नहीं, ये हमारे पूरे वर्ल्ड में जाती है। बीजेपी और उनके साथी यहाँ पर, कुछ लोग यहाँ पर उनसे मिले हैं, हमारे ही लोग हैं, हमारे ही जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, वो उनके डिविसिव एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने ये भी देखा कि 15 अगस्त को हमारे नेशनल फ्लैग को, उसकी आड़ में यहां पे कुछ जलूस निकले जिसमें एबीवीपी के झंडे हमारी छोटी छोटी बच्चियों के हाथ में थे और उनसे वो नारे दिलवा रहे थे, वो हमारे ही लोग थे, और उन बच्चियों को ये मालूम नहीं था कि ये झंडा किसका है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। ये वो झंडे हैं जो पूरे मुल्क में अकलियतों के, खुसूसन मुसलमानों को जिंदा जलाने की कोशिश कर रहे हैं आजकल, और वही झंडा यहाँ पे आप चला रहे थे। आप सब नजरअंदाज किया गया है, और यहाँ पे तमाम जमातें कुछ ना कुछ काम तो करती हैं मगर ठोस काम नहीं कर रही है। जो अब तक हालत श्रीनगर सिटी की है, सियासी मामला आप एक तरफ को छोड़ दीजिए, वो तो हमको मालूम है, उस पर हम जंग कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से लेकर यहां तक, मगर जो लोकल इश्यूज हैं यहाँ पे, जो आजकल मामला है यहाँ की ड्रेनेज के मामला है, यहाँ के ड्रग्स मैनेज का मामला है, यहाँ पे जो इस वक्त शराबखानी का मामला शुरू हुआ है, खुसूसन बीजेपी के इस दौर में ड्रग्स पे और शराब पे कोई कंट्रोल नहीं अब हो रहा है। यहाँ पे खुसूसन जो आपका आज शहरी श्रीनगर का जो हाल जो ट्रैफिक का है वो अबतर है, और इसमें एक हमारे नौजवान तो जामबाहक हो गए, वो अपनी एम्बुलेंस में ही अपनी शहादत दे गए, चूंकि वो अस्पताल नहीं पहुंच पाए। वजह क्या थी कि ट्रैफिक का निजाम ही धरम भरम था, वो नहीं पहुंच पाया। और जिस तरीके से यहाँ पे आग की वारदातें होती रहती हैं, और उसमें भी यही होता है कि ट्रैफिक की वजह से हमारे फायर ब्रिगेड का अमला भी वहां तक नहीं पहुंच पाता। मैंने कल भी प्रेस में यह भी कहा कि आइंदा की जो हुकूमत बनेगी वो किस शेप की होगी, क्या होगी, वो मैं अभी आपको बताने से कासिर हूं, मगर जरूर वो हुकूमत माइनस बीजेपी की हुकूमत होगी। मैं बीजेपी के अपने जितने भी हमारे साथी यहां पर हैं जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं या दिल्ली से जो उनके आका हैं, उनको मैं यहां से कश्मीर से आज आपको बोल रहा हूं कि जनाब 6 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर आपको यहां से रद्द कर देगी अपनी वोट की जोर पर, क्योंकि अवाम का वोट ही फाइनल वोट होता है, और उस वोट से वो ये भी आपको बता देंगे कि आपने जो 5 अगस्त 2019 को यकतरफा फैसला लिया, गैर कानूनी गैर आईनी फैसला लिया, जम्मू कश्मीर की अवाम उस फैसले को, जम्मू कश्मीर की अदालत, अवामी अदालत उस फैसले को रद्द करती है। अल्लाह करे कि तमाम जमातें जो हमने आज उनको बताया है कि अभी भी आप समझ जाइए, आप में सबसे अहम चीज यही होगी कि आज पब्लिक की डिमांड है कि सब यकजहती करके, यूनिटी करके आप आज सामने आए, अपने अपने जो आपकी जमातों का एजेंडा है उसको बालाए ताक पर रखिए, पहले जम्मू कश्मीर के लोगों का एजेंडा और यहाँ के बच्चों का एजेंडा, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, कश्मीरी पंडित है, अपना गुजर है, बकरवाल है, पहाड़ी है, उनके बारे में सोचिए। बीजेपी और उनके साथी यहाँ पर, कुछ लोग यहाँ पर उनसे मिले हैं, हमारे ही लोग हैं, हमारे ही जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, वो उनके डिविसिव एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने ये भी देखा कि 15 अगस्त को हमारे नेशनल फ्लैग को, उसकी आड़ में यहां पे कुछ जलूस निकले जिसमें एबीवीपी के झंडे हमारी छोटी छोटी बच्चियों के हाथ में थे और उनसे वो नारे दिलवा रहे थे, वो हमारे ही लोग थे, और उन बच्चियों को ये मालूम नहीं था कि ये झंडा किसका है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। ये वो झंडे हैं जो पूरे मुल्क में अकलियतों के, खुसूसन मुसलमानों को जिंदा जलाने की कोशिश कर रहे हैं आजकल, और वही झंडा यहाँ पे आप चला रहे थे, आप सब उसको कवर भी कर रहे थे। अहम बात यह भी है कि आज अब हमारा नौजवान बच्चा और बच्ची, जिनकी तादाद करीब 35 लाख हो गई है, वो अब क्योंकि वो इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, वो अब अपने यहाँ पर दरियाओं पे, यहाँ पे हमारे इन 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 ब्रिजेस पे चढ़ के, पुल पे चढ़ के अब खुदकुशी करने, रोज मरोज आप देखते हैं रोज मरोज की, वो अब कोई बच्चा कोई बच्ची हर दूसरे तीसरे दिन छलांग लगाते और अपनी जिंदगी को वो एंड कर देते हैं। इसलिए हमारा काम ये होगा कि आप जैसे लोग जब शामिल हो जाएं, श्रीनगर सिटी के लोग शामिल हो जाएं, श्रीनगर सिटी से ही आवाज उठती है पूरे जम्मू कश्मीर में, और ये आवाज पूरे मुल्क में ही नहीं, ये हमारे पूरे वर्ल्ड में जाती है, क्योंकि कश्मीर का डायस्पोरा, जम्मू कश्मीर का डायस्पोरा बर्तानिया में भी है, यूनाइटेड स्टेट्स में भी है, हमारे
यूरोपियन कंट्रीज में है, लाइन कंट्रोल के अक्रॉस है, जो आवाज यहां से निकलती है वही मुसम्मम एक आवाज होती है। सो यहां से आज एक आवाज यह निकलेगी कि गुड गवर्नेंस विदाउट ब्लडशेड, आप गोली यहां पर नहीं चला सकते। शेरी कश्मीर के बाद शेरी कश्मीर की गवर्नमेंट में भी बहुत ज्यादा वो काम हुआ, और वो जीएम शाह साहब जैसे हमारे मेरे साथ उनके साथी जो उनके कैबिनेट में थे, शाहीन साहब बैठे हैं हमारे, जितने भी यहाँ पे सीनियर लोग, उनने शेरी कश्मीर से काम किया है, शाह साहब से काम किया है। उस वक्त में ये बात सही है कि 47,000 लोगों को और 28 नई भर्तियां जो की गई उन्हीं 21 महीने में वो की गई। इंशाल्लाह ये सब चीजें हो सकती हैं अगर आज अवाम का काम है, क्योंकि आज अवाम ने यह ठान लिया है कि आज वो पार्टीबाजी को हटा देंगे, आज अवाम चुनेगा सही नुमाइंदा अपना, क्योंकि उस नुमाइंदे को असेंबली में जाके सबसे पहला एक ये काम करना होगा कि उसको रेजोल्यूशन लाना है सामने कि आपने जो कार्रवाई 5 अगस्त 2019 को की वो कार्रवाई यहां की असेंबली उसको रद्द समझती है और वो कार्रवाई को मानती नहीं है। हमको ऐसी सरकार यहां देनी है जो काम करे अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, जो काम करे यहां का ड्रग अब्यूज और जो अल्कोहल का मैटर है, यहां पे जो ये रोजमर्रा के इश्यूज हैं, रोजमर्रा के जो सिटी में खास करके इश्यूज हैं, उन पर ध्यान दिया जाए और सही आदमी आज आपको इलेक्ट करके अपनी असेंबली में भेजने पड़ेंगे जम्मू कश्मीर से। एक दफा मैं फिर अपने तमाम सियासी जमातों से कहूंगा, अभी भी वक्त है साहब हम सबका, आप एक यूनाइटेड अप्रोच लें, यूनिटी में स्ट्रेंथ है, आप यूनिटी करके आप घुसिए, दो तिहाई मेजोरिटी लेकर, उससे ज्यादा मेजोरिटी लेकर असेंबली में जाइए, बहुत बड़ा काम हो सकता है हमारा सियासी तौर भी, और बहुत बड़ा काम हम उसके बाद इंतजामिया को हम अपने हाथ में ले लेंगे, क्योंकि आजकल आप देखते हैं जो इंतजामिया यहां पर है वो इंपोर्टेड इंतजामिया है, यहां की खुद की इंतजामिया नहीं है, वो बाहर से लोग आए हैं, अपने 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 एरिया में वो माहिर हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर यहां का जो जम्मू कश्मीर का शासन है ये जम्मू कश्मीर के लोग चलाएंगे, यहां की ब्यूरोक्रेसी चलाएगी, यहां की पुलिस चलाएगी, और इन सब चीजों को जो आपने ये फैसले लिए हैं 5 अगस्त के बाद, उनको इस असेंबली में उन पर नजरसानी करके उनमें से मैक्सिमम जो फैसला जात है उनको वापस उनको रद्द कर दिया जाएगा। सो बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी बनती है तमाम जमातों पर, हमारी जमात पर। मैं एक दफा फिर कोशिश करूंगा कि यूनिटी हो जाए सब में, बाकी अगर नहीं हुआ फिर अल्लाह मालिक है सबका, उनका भी हमारा भी, और हम लोगों पर छोड़ेंगे कि वो क्या आइंदा किन लोगों को सामने लाएंगे।